नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहां पे ड्रॉ किया है 30 फीट बाय 40 फीट का एक 3 बेडरूम वाला हाउस प्लान। काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लानिंग की है। साउथ फेसिंग प्लान है। प्लान की जो लंबाई है, ये जो उत्तर दक्षिण लंबाई है वो 30 फीट है और पूर्व पश्चिम लंबाई यहाँ पे 40 फीट है। ये साउथ फेस, यहाँ पे एंट्रेंस स्टेप से ही है। जैसे अंदर आते ये एंट्रेंस लॉबी मिलती है हमें 4 फीट चौड़ी और यहाँ पे ही हमारा मेन एंट्रेंस डोर लग जाएगा। उसके बाद जैसे अंदर आते सामने ये पूरा हॉल एरिया प्लान किया है या फिर लिविंग। उसके बाद लिविंग के अंदर ही हमने एक छोटा सा 4x4 का पूजा रूम प्लान किया है। मंदिर रहेगा यहाँ पे 4 फीट बाय 4 फीट। लिविंग एरिया की साइज है 14 फीट बाय 16 फीट 9 इंच। तो 14 फीट ये ऐसे, 16 फीट 9 इंच ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पे है किचन यूनिट अग्नि कोने पे, और किचन की साइज हमने यहाँ पे रखी है 9 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 9 इंच। 9 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 9 इंच ये किचन ओटा है यहाँ पे। ये 4 फीट का एक आर्च ओपनिंग है, 14 फीट ये इसमें से इस डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये पैसेज है। पैसेज की जो चौड़ाई है वो 4 फीट 6 इंच है। पैसेज 4 फीट 6 इंच वाइड। ये मैं दरवाजा D1, यहाँ पे बेडरूम 1, उसके बाद ये है बेडरूम 2 और ये बेडरूम 3 या फिर मास्टर बेडरूम। यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथ भी है और ये कॉमन टॉयलेट बाथ। और इस कोने पे है ये सीढ़ी, यहाँ से यहाँ पर रहेगा स्टेयरकेस ब्लॉक। बेडरूम 1 की साइज है 11 फीट बाय 11 फीट 9 इंच। उसके बाद बेडरूम 2 जो है वो भी 11 फीट बाय 11 फीट 9 इंच है। बेडरूम 3 यानी मास्टर बेडरूम की साइज हमने यहाँ पे रखी है 13 फीट बाय 11 फीट 9 इंच। D2 ये D1 ये भी D1। अटैच टॉयलेट बाथ की साइज है 4 फीट 6 इंच है इसकी विड्थ है, और लंबाई जो है वो 7 फीट 6 इंच है। कॉमन टॉयलेट बाथ की साइज है 7 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 3 इंच। उसके लिए ये दरवाजा D2। तो इस तरीके से ओवरऑल ये प्लानिंग है। ब्रिकवर्क की मोटाई 6 इंच है, ये बाहर वाला ब्रिकवर्क 6 इंच मोटाई का और अंदर वाला ब्रिकवर्क भी 6 इंच मोटाई का है। इसका टोटल एरिया बनता है, कंस्ट्रक्शन एरिया 30 फीट बाय 40 फीट, 1200 स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से ओवरऑल ये प्लानिंग है। तो दोस्तों, आपको प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।